तो हे गाइज, ये वाला मैच डायमंड 4 के बंदे के साथ है। और दोस्तों एक बात बता दूं कि ये वाले मैच में बहुत ही कम रन बनने वाले हैं और हमें उस कम रन को डिफेंड करना है। देखते हैं जीतते हैं या हारते हैं और कितना रन बनता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, पूरा जरूर देखिएगा। टॉस जीत के हम करेंगे बल्लेबाजी। और भाई यहाँ पे शॉर्ट बॉल को 4-4-6 शॉर्ट खेल के बॉल को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। भाई अगली बॉल यहाँ पे गुड लेंथ पे बॉल है और पुल करने की कोशिश में हम जल्दी खेल बैठे और एक आसान था कैच यहाँ पे। अगली बॉल देखते हैं, गुड लेंथ पे बॉल है और बहुत बढ़िया भाई पीछे की तरफ शॉर्ट खेला है, बहुत ही रेयर शॉर्ट है भाई ये। और मिल गया यहाँ पे चौक छक्का और इस बार भी टॉप स्पिन करी थी, इस बार भी मिल गया 6 रन। लगातार 2 बॉलों पे 2 छक्के आ चुके हैं। तीसरी गेंद और भाई यहाँ पे टाइमिंग का दिक्कत हुआ और मिल गया विकेट। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे रन सम करने वाले हैं फिर भी। एक और यहाँ पे 6 रन भाई, 5 गेंदों में 18 रन आ चुके थे। चलिए देखते हैं, इस बार फुलर लेंथ पे बॉल थी, 226 खेलने गए थे लेकिन टाइमिंग नहीं हो पाई। इस बार ही हमने लेट खेल दिया, बॉल सीधे फील्डर के हाथ में चली गई। तो चलिए देखते हैं इस बार क्या होता है। यार्कर बॉल बहुत बढ़िया चॉप किया है, बॉल सीधे जाएगी 6 रनों के लिए। यहाँ पे बहुत बढ़िया शॉट है, 39 रन बन चुके हैं। इस बार फ्लिक किया है, गैप में गेंद चली जाएगी शायद, जी नहीं, यहाँ पे फील्डर है पीछे, जब तक थ्रो करेंगे 2 रन आ जाएगा। और 43 रन बन चुके हैं आखिरी ओवर और यहाँ पे टाइम नहीं हो पाया और भाई आउट हो जाएंगे बल्लेबाज। तो भाई अब तक भाई लास्ट गेंद आने वाली है, 43 रन ही बने हैं और इस बार 268 खेल के भाई बहुत बढ़िया तो नहीं टाइमिंग हुआ, लेकिन जब तक थ्रो करेंगे 2 ही रन आ पाएगा। और 45 रन का ही हमने टारगेट सामने वाली टीम को दिया है। डायमंड 4 का बंदा है भाई, तो कहीं पावर प्ले में ही मैच को ख़त्म ना कर दे। चलिए देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी होती है। वाइड यॉर्कर के साथ शुरुआत और 493 खेल के शॉट बहुत बढ़िया है भाई। वाइड यॉर्कर के लिए भी शॉट बढ़िया है, यॉर्कर के लिए भी बढ़िया शॉट है ये। चौका आ गया, फिर से वही गेंद और वही शॉट खेला है, 493 मिल गया यहाँ पे 4 रन। इस बार पैरों पे एयरकट डाली थी मैंने और यहाँ पे टाइमिंग का मसला आ गया इनका और मिल गया विकेट हमें। 493 भाई डुबा देता है कभी कभी अगर आप जल्दी खेल दीजिएगा तो। इस बार भाई वाइड एयरकट किया था और इस बार भी मिल जाएगा विकेट क्योंकि टाइम नहीं कर पा रहे हैं भाई। शॉट को खेलने के लिए आपको थोड़ा सा लेट खेलना पड़ेगा, जितना लेट खेलिएगा भाई उतना अच्छा शॉट लगता है। इस बार भी देख लीजिए मिल गया यहाँ पे विकेट, हार्दिक पांड्या इनके पास थे भाई, तब भी इतना बुरा हाल है आप देख सकते हैं क्योंकि 493 आप एक ही शॉट खेलते जा रहे हैं लगातार। ठीक है भाई, यहाँ पे आप रन कर सकते हो, वहाँ पे फील्डर नहीं है, लेकिन जब आप टाइम नहीं कर पा रहे हो तो शॉट को चेंज करो। देख लीजिए 493, अब तक भाई 4 विकेट आए हैं और 4 विकेट 493 शॉट के वजह से ही आए हैं भाई। ये शॉट जो होता है ना, इसे लेट खेलना पड़ता है तब कनेक्शन होगा। इस बार 268 खेला है, बहुत बढ़िया गैप को तलाश लिया, चौका मिल गया यहाँ पे। 19 रन आ चुके हैं पावर प्ले के बाद भाई। अब देखते हैं इस बार भाई 175 शॉट खेला है, जब तक थ्रो होगी 1 ही रन आएगा। और इस बार बहुत भाई ये वाला अलग ही ग्लिच चलता है भाई, टाइमिंग नहीं होता इस बार, लेकिन छक्का मिल गया कोई बात नहीं। तबरेज़ शम्सी तीसरी गेंद वाइड एयरकर और 175 खेले हैं, जब तक थ्रो होगा 2 रन लेने की कोशिश किया है और 2 रन भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ज़्यादा रन्स हैं नहीं भाई, इसी तरह से आखिरी ओवर में 11 रन्स भाई हमें डिफेंड करने हैं, 6 गेंदे 11 रन्स भाई, आसान है डिफेंड हो जाएंगे, लेकिन हम करेंगे गुगली और तेज़ गति से गुगली करेंगे भाई, देखते हैं क्या होता है भाई। पुल करेंगे तो 6 रन आसान तरीके से मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन गलत शॉट खेल दिया भाई, इसके लिए पोजिशन सही नहीं था इनका। इस बार गुगली थोड़ी सी धीमी करी थी और 402 के लिए गए थे और ये भी कनेक्ट नहीं हुआ। 2 गेंदे ख़त्म भाई, अब आखिरी 3 गेंदे बची है भाई, ये भी ख़त्म। अब 2 गेंदों में 11 रन भाई, चलिए देखते हैं क्या होता है। 4 गेंदे लगातार डॉट और इस बार बहुत ही तगड़ा स्टम्प आउट किया है यहाँ पे, 5 गेंदे भाई डॉट गई है और मिल गया है विकेट। तो भाई सामने वाले प्लेयर को आप क्या कहोगे भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। और भाई आप नूब भी नहीं बोल सकते हो यार, किसी को नूब नहीं बोल सकते हो, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया शॉट लेकिन टाइमिंग नहीं दे पाए तो मिल गया विकेट। और भाई आखिरी ओवर में भाई पूरा तरह से मेडन डाल के 2 विकेट लिया है और इस मुकाबले को 10 रनों से जीत लिया है भाई, 45 रन को भाई चेस नहीं होने दिया। तो भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक और ज़बरदस्त तगड़े वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।